इन दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी का अपडेट या नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। एसएससी जीडी 2023 के लिए 2022 में यानी आज आया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आपको क्या इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अप्लाई कब से स्टार्ट है, पोस्ट नेम, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल, हु कैन अप्लाई, अप्लाई मोड क्या है और इसमें पैसा कितना रहेगा, पे स्केल क्या है, एज लिमिट क्या है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे अलावा ए टू जेड जानकारी जो है एसएससी जीडी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगे। या तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई हमेशा देने का प्रयास करते रहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो कल आउट हुआ है। इसमें नोटिफिकेशन में बस इतना बताया गया दोस्तों कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होने जो है दिसंबर, लास्ट दिसंबर में स्टार्ट है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप पहले जान लीजिए, उसके बाद ही आप जाइएगा यहाँ से। जैसे पहले बात दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो एसएससी करा रहा है जिसके द्वारा नेम ऑफ द पोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे, और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 56,000 टोटल पोस्ट है, यानी 56,000 के आसपास जो है आपका वैकेंसी निकाली गई है। जो एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में रखा गया है। जो एज लिमिट है एसएससी के लिए वो 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में रखा गया है। और जो पे स्केल यानी पैसा की बात करते हैं दोस्तों बहुत काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो पैसा है दोस्तों 21,100 से लेकर यहाँ पे 81,100, बहुत काफ़ी अच्छा पैसा है इसमें आपका। लगभग मिला जुला कर बात करें तो यहाँ पे 32,000 से 33,000 फर्स्ट मंथ में रहेगा आपका, बस 21,000 दिया गया है मिनिमम है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं नेशनलिटी के, तो इंडियन, केवल भारतीय लोग ही इसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा अप्लाई मोड जो है दोस्तों ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद कैटेगरी जो रहेगा गवर्नमेंट डिफेंस जॉब। उसके बाद जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, आपका ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है जॉब दिया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सरकारी जॉब है तो इसको लेने के लिए अभी से तैयारी करने में आप लोग लग जाइए, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप तैयारी करने में लग जाइए। तो उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन के बात की जाए, एजुकेशन क्वालिफाइड के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली 10th पास, केवल 10वीं पास होने चाहिए, किसी भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से आप आवेदन कर पाएंगे, इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, मात्र 10वीं पास ही होने चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कंप्लीट डिटेल, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको मैं बता दिया था जो है 56,000, फिर से मैं बता रहा हूँ 56,000 टोटल पोस्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है और इसमें आपको ना आने का ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा, अभी से ही अपना तैयारी करने में लग जाइए ताकि आपको आने वाला दिनों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो चलिए उसके आगे यहाँ पर बात करते हैं, जो टोटल पोस्ट की मैं बात की है कॉन्स्टेबल जीडी का वो 56,000 है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है कुछ इस प्रकार से रहेगा। पोस्ट नेम बीएसएफ के लिए जो है दोस्तों अभी बीएसएफ का लिस्ट नहीं आया, इसलिए मैं गलत नहीं आपको जानकारी दूंगा, बीएसएफ के बारे में नहीं आया तो बीएसएफ का नहीं बताया हूँ। सीआरपीएफ 21,000 पोस्ट रहेगा जिसमें एसएससी की तरफ से, और आईटीबीपी सीआईएसएफ का भी पोस्ट नहीं आया है, एआरएसएसएफ एनआईए इन लोग का भी पोस्ट नहीं आया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है 56,000 रहेगा, 56,000 21,000 माइनस कीजिएगा, जितना बचेगा उतना इस समय पोस्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों हु कैन अप्लाई, इसके फॉर्म कौन आवेदन कर सकता है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया था ऑल इंडिया स्टूडेंट, भारत देश के हर एक नागरिक जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट है, लेकिन उनका उम्र बताया था मैंने 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होने चाहिए। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ये फॉर्म अप्लाई है, बस यही तो खासियत है इसका कि आप मेल भी फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। जो अप्लाई मोड रहेगा दोस्तों ऑनलाइन रहेगा, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, जैसा कि मैंने बता दिया कि आपका जॉब रहेगा ऑल इंडिया में रहेगा। जो अप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, जनरल ओबीसी के लिए जो फ़ी है वो है आपका कैटेगरी वाइज जो है 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए जो फ़ी है दोस्तों उसके लिए 0 रुपये है, 1 रुपये भी नहीं है एससी एसटी के लिए। जो पेमेंट मोड भी है वो भी ऑनलाइन है, यहाँ पे किसी भी बैंक खाते से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं या किसी भी फ़ोनपे वगैरह की जो भी है आपके पास उससे आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। उसके जो पे स्केल के बाद किया था दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा गौर करने की ये बात है कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है ट्रेनिंग के टाइम यहाँ पर साफ दिया हुआ है, ड्यूरिंग इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड एसटी 21,700 पर मंथ विल बी असेंड, कम से कम 21,700 रुपये आपको मिलेंगे ट्रेनिंग के समय, एक उसमें दिया हुआ था 21,100 लेकिन ट्रेनिंग के समय में 21,700 रुपये मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग के समय भी पैसा है। उसके बाद अनसक्सेसफुल कम्प्लीट इनिशियल ट्रेनिंग, उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाता है तो प्लेस इन, यहाँ पर देख सकते हैं साफ दिया है प्लेस इन लेवल 5 ऑफ डिफेंस पे मैट्रिक्स, यहाँ पर 56,700 से लेकर
63,100 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छे इसमें भी दिया है, अगर आपका जो ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको जो पैसा मिलेगा 56,700 से लेकर 63,100 के बीच में पैसा मिलेगा। काफ़ी अच्छा इसका जो पे स्केल भी है। उसके बाद एडिशनल ड्यू मेन MSP 5,200 रुपया पर मंथ प्लस ड्यू। आपका इसमें से जितना रुपए मिलेंगे उसमें से मान लीजिए आपको 56,700 मिलते हैं तो आपको 5,200 रुपये काट कर ही मिलेंगे, यानी 51,000 कुछ जो रुपये बचे कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। 5,200 रुपये जो काटा जाएगा, जो आपको बाद में रिटायर्ड का समय दिया जाता है उसको मिलाकर जिससे सब पैसा ही दिया जाता है, इसके बाद में ध्यान रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों मेन चीज़ अब यहाँ पे आती है एज लिमिट और डेट लास्ट डेट। आपका 1/8/2022 कहने का मतलब है 1 अगस्त 2022 तक आपका 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ये जो मिनिमम एज जो रखा गया है, मैंने बताया था 18 से 28 साल तक, लेकिन 18 से 28 साल तक है, लेकिन 18 से मिनिमम एज जो है 23 साल होना चाहिए कम से कम अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो दोस्तों एज इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स दिया गया, उसके अलावा नोटिफिकेशन के अलावा यहाँ पर जैसे 18 से 23 साल दोस्तों जो मैं अभी कह रहा था वो जनरल और EWS के लिए, जनरल और EWS के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे 18 से 23 साल तक के बीच के। अगर जो OBC है OBC फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 18 से 25 साल के बीच में भी, यहाँ पर साफ दिया गया है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में। अगर 1 अगस्त 2022 तक आपका 18 साल हो जाता है तो आप आवेदन कर लीजिए, आप मैट्रिक पास है तो कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा SC ST के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो SC ST के लिए जो दोस्तों एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में रखा गया है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, अगर आपका 27 साल भी हो रहा है तो आवेदन कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका दोस्तों ये बात की ध्यान रखिएगा, मेल के लिए जो टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट जो होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना है, काफ़ी अच्छा है, आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन आप शुरू से अभी से प्रैक्टिस करने में लग जाए, एक जो जुनून पैदा कर ले कि हमें ये इस बार निकाल देना है तो निकाल देना है, तो आपका 100% गारंटी निकल जाएगा। फीमेल के जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 8.5 मिनट में 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, 8.5 मिनट में कुछ नहीं है। और आप तैयारी करें, जो महिलाएं देख रहे हैं वो अभी तैयारी करना स्टार्ट करें तो 2 से 3 महीना में जम के तैयारी करें तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके अलावा फॉर लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं दोस्तों उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ 6.5 मिनट में 1600 मीटर मारना है, यानी मेल के लिए जो है 6.5 मिनट में 1600 मीटर मारना है, यानी 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में लद्दाख रीजन के लिए है, और 4 मिनट में 800 मीटर मारना है फीमेल के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 मिनट में 800 मीटर मारना है फीमेल को जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिजिकल टेस्ट डिटेल की बात किया जाए तो मेल और फीमेल के लिए कुछ अलग ही यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज जो दोस्तों यहाँ पर मेल के लिए दिया गया है, हाइट जो दिया गया है जनरल OBC SC के लिए 170 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके अलावा जनरल OBC SC में फीमेल कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें, बस यही मैं कहना चाहूँगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए जो एज दिया गया है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेल के लिए 162.5 है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बात आता है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो दिया गया दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट बिलोंग करते हैं 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। उसके अलावा दोस्तों चेस्ट की बात किया जाए तो चेस्ट के लिए मेल में कम से कम मेल के लिए चेस्ट दिया गया 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और फीमेल के लिए चेस्ट नहीं दिया गया है, तो इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा कि आप अगर मेल से बिलोंग करते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 80 से 85 सेंटीमीटर कम से कम छाती होना चाहिए। आपका जो है जब वहाँ पे लिया जाएगा मेडिकल टेस्ट उस समय 80 सेंटीमीटर मान लीजिए आपका है तो 5 सेंटीमीटर जितना भी रहेगा छाती उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फुलाना पड़ता है, तो आप जाकर सिलेक्शन वहाँ पर आपका जो है सिलेक्ट होएगा मेडिकल की। फीमेल के लिए कोई लिमिट नहीं है, उनके लिए कुछ भी रहेगा कोई सब चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो 10th पास मैंने बता दिया था किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप 10th पास होने चाहिए, बस यही चीज़ है। चेक ऑल्सो ऑफिशियल एडवांस ऑफ डिटेल, आप ऑफिशियल डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें, कॉन्स्टेबल ड्यूटी के मैंने बता दिया कि आपको 10th पास होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के जैसे बात किया, पहला आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद PGPST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट। कुछ दिनों में मैं इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बता दूंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, इससे पहले आप अभी तैयारी करने में लग जाइए, उसका अभी बहुत ज़्यादा समय है, बस ज़्यादा समय भी नहीं है, बस ये सम्मान के चलिए कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल देना है तो निकाल देना, यह करके चलिए आपका निकल जाएगा।
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे सिलेबस दिया गया, सिलेबस यहाँ पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पर नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय का वीडियो बन सकता है। तो जो कि पार्ट एक के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जनरल एंड रीजनिंग के लिए जो दिया गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स मैक्सिमम नंबर इसमें मिलेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो रहेगा 25 नंबर का रहेगा क्वेश्चन और 25 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो रहेगा दोस्तों 25 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स के और आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर साफ दिया गया है। जो टोटल समय रहेगा दोस्तों 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का टोटल क्वेश्चन रहेगा, 100 मिनट का रहेगा यहाँ पे जो 100 मार्क्स का रहेगा 90 मिनट में बनाना। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट SSGD के लिए, अप्लीकेशन के लिए तो फोटो सिग्नेचर आप रखना है ना, उसके बाद एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, डोमेसियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जाति निवास बोला जाता है, उस जाति कास्ट सर्टिफिकेट को डोमेसियल के सर्टिफिकेट को बोला जाता है निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना आवश्यक है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको होना आवश्यक है, इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट है देख सकते हैं, सबसे मेन जरूरी बात है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट कब से, 10/12/2022 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 10 दिसंबर 2022 से लेकर 19 जनवरी 2023 के बीच में आपका फॉर्म रहेगा लास्ट डेट, इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। लगभग अब एक महीना भी टाइम ठीक से नहीं है, एक महीना है मतलब 1.5 महीना टाइम है, उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, तभी से तैयारी में लग जाइए। उसके अलावा इधर से मैं इसका लिंक दे दूंगा, जब आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको कैसा लगे वीडियो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के सबसे पहले अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो है SSGD का तैयारी होगा उस इस चैनल पर जरूर होगा, कुछ दिनों बाद जो इसमें काम चल रहा है फिलहाल आपका SSGD का तैयारी इस चैनल पर जरूर होगा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर SSGD ला रहा है सबसे अच्छा मतलब जो है इसका तैयारी कर लेने के लिए एक वीडियो लाएगा जिसमें जो है लाइव यहाँ पे तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।